Hi, welcome back to Surya Archery Academy. This is Gnaneshwaran and Bhubaneswar District Archery Coach. So, आज मैं आपको recurve bow, beginners recurve bow and cheapest price में जो मिलता है उसके बारे में unboxing करना and review देना चाह रहा हूँ. So, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो box है, limbs का box है and another और एक box है. ये X-Core Archery का box है, ये Riser का box है. So, मैं पहले ही unboxing कर चुका हूँ क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं मिल चुका था. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिल चुका है. बस एक राइजर मिला था एंड लिम्स मिले थे. स्ट्रिंग तो उसके साथ में नहीं आता है, स्ट्रिंग्स वी हैव टू बाय सेपरेटली. सो यहाँ पे आप देखिए राइजर ये है, एक्सकोर कॉशन मैक्स एंड 40 एलबीएस का ये झेल सकता है. एंड यहाँ पे आप लिम्स देख सकते हो, ये लाइक 68 इंचेस का लिम्स है एंड ये 64 इंचेस के लिए भी आएगा. मतलब अगर आपका राइजर छोटा होगा तो उस पर चलेगा. ये राइजर का साइज है 24 इंचेस का राइजर है, 23 इंचेस का मिलेगा आपको, 21 इंचेस का भी मिलेगा एंड 25 इंचेस का, 27 इंचेस का भी मिलेगा. पर X-Core Archery में आपको 25 इंचेस इज द फाइनल राइजर एंड लिम्स का आपको 70 तक मिल जाएंगे. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज वेरी चीपेस्ट बो जो भी आपने हाथ में है, ये बहुत चीपेस्ट बो है एंड बहुत स्टैंडर्ड है. एंड मैं आपको एक बार खींच के बताऊंगा. सो दिस इज माई ड्रॉ लेंथ एक्चुअली 29 इंचेस. तो ये 28 इंचेस का राइजर है, आप देख सकते हो ये मेरे लिए परफेक्ट बो है एंड 25 इंचेस का राइजर है सॉरी. एंड अभी आप देखिए ये 30 इंचेस तक मैं पुल करूंगा, यस 31 इंचेस तक भी ये आ सकता है. इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. जो भी बिगनर है उनके लिए दीजिए, जो भी आपके पास इफ यू आर कोच, आपके पास बच्चे आएंगे तो उनको ये बो दे देना एंड दे विल बी एंजॉयिंग इट. ये बहुत एक्यूरेट भी शूट करता है. तो इसके बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगा. लाइक ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये लिम्स फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है एंड ये बोल्ट सिस्टम है. जो भी यहाँ पे है ये बोल्ट सिस्टम है, ILF सिस्टम नहीं है. ताकि आप बड़े बड़े बोस्ट में देखे होंगे जस्ट स्लाइड करके स्ट्रिंग चढ़ाना होता है, शूट करना होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप लिम्स को बोल्ट के सिस्टम से यूज करना होता है. मैं आपको करीब से भी बताऊंगा. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये बोल्ट होता है, ये बोल्ट निकाल के लिम को फिट करना होता है. एंड यहाँ पे आप देखिए वी हैव स्टेबलाइजर सॉकेट एंड आल्सो प्लंजर सॉकेट है यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिकर का भी है. अगर आपको क्लिकर चाहिए तो इस पे क्लिकर लगा सकते हो, प्लंजर लगा सकते हो एंड स्टेबलाइजर भी लगा सकते हो. सो वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कॉम्पिटिशन. ऐसा नहीं है कि ओनली बिगनर है, ग्राउंड पे ही शूट करो उसके बाद में, नहीं ऐसा नहीं है. यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो. तो बिगिनर है बेस्ट है, जो भी पहले पहले करता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है. ज्यादा पैसा खर्च ना हो, क्योंकि अपने इंडिया में इतना ज्यादा अमीर लोग तो नहीं है. वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास ओनली. सो मिडिल क्लास के लिए एंड उनके लिए बहुत अच्छा काम चलेगा इससे. एंड ये बहुत रीसेल भी हो सकता है, बहुत अच्छा प्राइस में जाएगा, ऐसा नहीं है. मैं प्राइस में आपको लास्ट में बताऊंगा. और एक बो बताना है आपको सेम बिगिनर के लिए. सॉरी एरोस को लग के था. एंड दिस इज द रोलेन बो, ये छोटे बच्चों के लिए काम आएगा. बट इसका स्पेशलिटी मेरे को एक चीज अच्छा लगा है, ये है, ये भी 30 इंचेस तक खींचो तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया है. बट ये छोटे बच्चों के लिए काम आएगा, लाइक अंडर 9 बच्चों के लिए बहुत अच्छा चलेगा ये. इसके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल बता दूंगा. सेम ये भी लिम सिस्टम है, बोल्ट सिस्टम है सॉरी. सो बोल्ट लूज करके इसको स्लाइड कर सकते हैं, इसमें स्लाइड करना नहीं है. आप कंप्लीटली बोल्ट पूरा बाहर निकाल के लिम बैठाना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है. बस निकालो और लिम बाहर आ जाएगा, इजिली आ जाएगा. बस थोड़ा सा लूज करोगे तो लिम बाहर आ जाएगा. मैं बताऊंगा, थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे, आप देख सकते हो दिस इज द गैप. जस्ट लिम लूज करो तो स्लाइड करोगे तो आ जाएगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना हाथ में रोलेन बो. सो इसमें आपको क्लिकर का सॉकेट तो नहीं दिया है, क्लिकर का होल नहीं दिया है. एंड यहाँ पे आपको प्लंजर का तो दे चुका है, क्योंकि ये बिगनर है, आपको क्लिकर का जरूरी नहीं पड़ेगी. एक्चुअली अभी अंडर 9 के बच्चे क्लिकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना फास्ट हो चुका है जनरेशन. सो यहाँ पे आप देखो ये साइट है, ये साइट आपको 1100 का मिल जाएगा. एंड इसके साथ में आपको स्ट्रिंग, लिम्स एंड एरो रेस्ट मिलेगा बस. बट साइट आप सेपरेटली खरीदना पड़ेगा. सो दिस साइट विल बी 1100 कॉस्ट. एंड बो का कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा. ये बो जो है दिस वन इज 6000 कंप्लीट विथ लिम्स एंड स्ट्रिंग. एंड साइट आपको अलग से खरीदना पड़ेगा. इसका टोटल होता है आपको 7500 कुछ. ये मुझे आया था विथ कोरियर चार्जेस. 7000 का बो है विथ साइट, एरो रेस्ट, स्ट्रिंग, राइजर एंड लिम्स, ये पूरे मिलाकर इतना ही. ये 7500 में आपको मिल चुका है. एंड नाउ अभी यहाँ पे आप देखिए
बस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, वी हैव ओनली राइजर एंड लिम्स और एक स्ट्रिंग है, ये आपको कंप्लीट 7000 का है, 7000 का ये आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग फ्रॉम रोलेनबो, आपको रोलेनबो में सब साइजेस मिलेंगे, लाइक अंडर 9 के बच्चे से स्टार्ट होकर सीनियर लाइक 70 इंचेस तक आपको बो मिल जाएगा। सो रोलेनबो भी 7000 का ही है एंड ये भी 7000 का है। फर्क इतना है, इसका लिम सिस्टम बोल्ट सिस्टम अच्छा है, बस बोल्ट लूज करके आप निकाल सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कंप्लीटली बोल्ट निकालना पड़ेगा। पर भी इसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वुड कोर टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा फ्लेक्सिबल वुड कोर टेक्नोलॉजी है, इसमें वो नहीं है, इसमें बस ये फाइबर ग्लास का लिम्स है। दिस आर नॉट कार्बन, दिखने में कार्बन दिखता है बट दिस आर नॉट कार्बन, फाइबर ग्लास लिम्स है, बहुत फ्लेक्सिबल है। फिर भी ये ओनली अंडर 9 के लिए आप लीजिए, जो भी बड़े लोग हैं उनके लिए आप ये खरीदिए, क्योंकि इसमें आपको क्लिकर का भी होल दे चुका है और प्लंजर का भी, एंड लुक भी अच्छा है इसका, शूटिंग के लिए अच्छा रहेगा। सो बोथ आर गुड बट एज वाइज डिफरेंस होता है, एंड थोड़ा सा इजी शूट करने के लिए आप ये ले सकते हो। सो बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है दो बोस भी। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, जो भी मैं आपको बोला था डिफरेंस क्या है बो में, बस सिंपल ये एक डिफरेंस है, बस इसमें ये लूज करो तो ये स्लाइड हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो, सो दिस विल बी स्लाइडिंग डाउन, एंड अभी इसको अंदर करके सेम इसे टाइट कर सकते हो। सो ये इजी सिस्टम है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप देखिए ये पूरा लूज करना पड़ेगा, कंप्लीट बाहर निकालना पड़ेगा, सो देन ओनली यू कैन रिमूव। मैं आपको पूरा निकाल के ही बताऊंगा, बट आई लाइक बोथ बोस, बोथ बोस भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली होल सिस्टम है, उसमें होल सिस्टम नहीं है, वो स्लाइड कर सकते हो, बट आपको रोल एंड बो उसमें हर साइज मिल जाएगा, ओनली इतना ये नहीं मिलेगा, ओनली ये एक होल नहीं मिलेगा यहाँ पे क्लिकर का, आई थिंक बड़े बोस में होंगे, बट आई डिडंट बाय एनी न्यू बो, ये मेरा पहला रोल एंड बो है, ताकि आपके लिए खरीद चुका हूं ये बो वीडियो बनाने के लिए, एंड सेम एज यूजुअल ये भी मैंने वीडियो बनाने के लिए खरीद चुका हूँ, एंड वी डिडंट इवन गिव, अभी तक इसका शूटिंग भी नहीं कर चुका हूँ, लेट सी, एक वीडियो मैं दोनों का शूटिंग का स्टाइल भी बताऊंगा, एंड कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो भी मैं वीडियो एक बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। बस लेट हो रहा है वीडियोज बनाने में, ताकि टाइम नहीं है, क्लासेस बोलना होता है, एंड वीडियो बनाने के लिए अकेले हो जाता हूँ, थोड़ा लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर करना, इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा इन्फॉर्मेशन कोई कोच या कोई आर्चर नहीं देता है आपको, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्विंग आउट स्ट्रिंग इन करना बहुत ईजी है, सो इसके लिए अपन को ये जरूरी नहीं है, वी कैन से स्ट्रिंगर का जरूरी नहीं है, वी कैन डू इट बाय आवर हैंड्स इटसेल्फ, क्योंकि ये लिम्स बाहर उखड़ेंगे नहीं, ILF में लिम्स बाहर आ सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रिंगर यूज करते हैं, इसमें आप आराम से हाथ से ही कर सकते हो। सो आई जस्ट डू इट वंस, मैं यूज करता हूँ ऐसे, एंड दैट्स इट, सो ये हो चुका है, एंड या यस फाइन। सो चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी एडजस्ट हो सकते हैं, बाहर निकल के होते हैं जब अपन हाथ से चढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली चेक कर लेना, लूप्स कहीं ना बाहर आ चुके हैं, वो चेक करके एक चढ़ा लेना। और ये छोटा वाला बो भी अपन ऐसे स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है स्ट्रिंगर का, सो इजीली इसे भी हम ये कर लेंगे, छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, एंड स्पेशली रिकमेंड दिस वन। शूटिंग भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ओनली जैसे रिकमेंड कर रहा हूँ, शूटिंग भी इसका देखता हूँ मैं, देख के ही उसके बाद में शूटिंग के वीडियो में कौन सा लेना है ये भी मैं बताऊंगा आफ्टर शूटिंग, ठीक है। बट बोथ आर गुड, दिखने में तो बहुत अच्छे है, एंड शूटिंग वाइज आई डोंट नो, स्टिल अभी तक मैं शूटिंग नहीं कर चुका हूँ, शूटिंग करने के बाद ही बताऊंगा। तो ये था आज का वीडियो, एंड दिस आर टू बोस, छोटा एंड बड़ा, एंड आपको कौन सा बो अच्छा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आपको अभी कुछ वीडियोस होना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, या नहीं तो वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा, एंड ये वीडियो के लिए डेफिनेटली आपका लाइक एंड सपोर्ट चाहिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।